हाय फ्रेंड्स, आज अपन बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट सिचुएटेड इन शिलोंग, ए नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी एंड इट इज एक्रेडिटेड बाय एन तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंटर के अंदर में चलती है, ठीक है। और इसको जस्ट लाइक NEHU यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। और ये जो है शिलोंग के अंदर है और इसकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है और ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो देख लेते हैं इसका क्या सिस्टम है, कैसे प्रोसेस है, कैसे एडमिशन होगा, आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, JEE में लेता है कि CET लेता है कि डायरेक्ट एडमिशन लेता है, तो कर लेते हैं ज़रा चर्चा। तो यूनिवर्सिटी ने अपना जो है नोटिस जारी किया है PTF, तो देख लेते हैं इसका क्या सिस्टम है। तो जैसे यूनिवर्सिटी ने PTF जारी किया है, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी NEHU कैंपस शिलोंग मेघालय के अंदर है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो अप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फ्रॉम द इनवाइटेड फॉर एडमिशन फॉर द फॉलोइंग कोर्स स्टडी इन बी आर्किटेक्चर BTech MTech MBA मास्टर्स एंड MBA MSc हॉर्टिकल्चर एंड अदर कोर्सेज and applicants are requested to apply only for these course mentioned below. Eligibility criteria for admission to BTech program BTech के अंदर ये जो है कि आपको 10+2 के अंदर कुछ मिनिमम मार्क्स तो चाहिए होंगे 45 मार्क्स, लेकिन प्लस जो है SC/ST की डिग्री के लिए 5% का जो है रिलेक्सेबल है, लेकिन जो है JEE मेन के अंदर आपके मिनिमम पॉजिटिव मार्क्स होने चाहिए, पॉजिटिव स्कोर होना चाहिए JEE मेन के अंदर। अगर आपके पॉजिटिव स्कोर नहीं है, आप माइनस में हैं JEE मेन के अंदर, तो आपका इसके अंदर एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। एंड जो BTech लेटर एंट्री एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डायरेक्टली एंटर सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से BTech कोर्स, तो इसके अंदर जो है BTech इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन डिसिप्लिन ऑफ ECE, तो इसके अंदर भी मिनिमम 60% होनी चाहिए। SC/ST के लिए कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। और जैसे अगर आप 10+2 है तो 60% SC/ST कैटेगरी के लिए 5% रिलैक्सेशन, ठीक है। और इसके अंदर ऑलमोस्ट हर एक कोर्स क्लोज कर दिए हैं, मास्टर्स MTech। और अब इसकी बात कर लेते हैं फीस की, आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। Students apply course program in Shillong as well as in Tura campus are requested to apply online on payment of Rs 800 rupees and 400 for SC/ST degree category and for PhD program Rs 500 rupees and 250 for SC/ST category by visiting the university banking through, ठीक है। एंड हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस पर जीते कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन इज 30 अगस्त 30 अगस्त 2021, इसका लास्ट डेट एडमिशन था रात को 11:59 पर ये जो है अप्लीकेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आपका जो भी फॉर्म वगैरह है फीस वगैरह सबमिट नहीं होगी। तो आपको जो है 30 अगस्त को रात 11:59 पर आप सबमिट कर सकते हो, उसके बाद ये सबमिट नहीं होगा। तो इसका मेजर यही है कि आपको JEE मेन के अंदर मार्क्स लाने होंगे, फिर उसके बाद आपको सबमिट करना होगा आपके 12th का मार्क्स और JEE का मार्क्स। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लेवल पर ऐसी काउंसलिंग होती है, वो देखते हैं जिसके ज़्यादा नंबर होते हैं उसी के मेरिट के बेस के आधार पर आपका एडमिशन होता है। एंड दिस इज ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अगर आपके JEE मेन के नंबर अंदर नंबर कम है, CET अभी कंडक्ट नहीं हुआ है, आपको गवर्नमेंट एरोस्पेस एरोनॉटिकल PS कंप्यूटर साइंस कोई भी अगर एडमिशन चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया है मोबाइल नंबर, आप हमारी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं ओनली फॉर 2 डेयरी मिल्क प्राइज के अंदर हम आपको इंडिया के टॉप 4 JEE कॉलेज के अंदर आपका एडमिशन कराएंगे। तो यू कैन ट्रैक इट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।